नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित अभिषेक शाही इंद्रप्रम गाज़ियाबाद पंचतत्वादि आयुर्वेदिक कृष्ण सेंटर से बात कर रहा हूँ और मैं आज निरोग सीट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ डिजीज़ के बारे में डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ जो आजकल प्रतिदिन जो है लोग को फेस कर रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो जिनका भी ज़्यादा फिजिकल सेटिंग वर्क है या जो भी ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो आजकल हम जो ज़्यादातर देख रहे हैं सभी को जो है कंधे का दर्द और गर्दन का दर्द हो रहा है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मेनली जो है दर्द जो है गर्दन के पिछले हिस्से में होता है और ये दर्द जब यदि इसको सही से आप ट्रीट नहीं करें और इस पर ध्यान नहीं दें तो ये बढ़ के जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बाद से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में मेनली क्या होता है कि जो दर्द है आपके गर्दन से होते हुए, आपके कंधे से होते हुए आपके हाथों में आता है और कई बार ये दर्द जो है गर्दन से होते हुए आपके सर पे जाता है। आपको सर में दर्द फील होता है, कांस्टेंट इरिटेशन फील होगा आपको, आपको डिजी भी फील होगा। तो लोग कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, बट जो मेनली सर दर्द का जो रीज़न है वो होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को हम किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में ये होता है कि दर्द जो है गर्दन से होते हुए सर में जाती है, दर्द जो है गर्दन से होते हुए कंधे में आता है, हाथों में आती है, हाथों में नमनेस होने लगता है। एडवांस स्टेज में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को ग्रिप करना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे तो आपकी ग्रिप जो है वीक हो जाती है, बट ये सब चीज़ आगे होते हैं बहुत एडवांस स्टेज में जब आप इसका सही से ध्यान नहीं करते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो यदि आपने सही टाइम पे डॉक्टर से सलाह ले ली, आपने ट्रीटमेंट कराया तो आपको इसमें काफ़ी आराम मिलता है और इससे बचा भी जा सकता है। आजकल के लाइफस्टाइल ऐसा है कि सभी लोग जो है मोबाइल पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जिसमें मेनली जो नेक का पोस्चर होता है नेक डिप रहता है, नेक डिप करके आप देखते हैं मोबाइल में और घंटों लोग मोबाइल में बिता रहे हैं समय। लैपटॉप पर काम करते समय जो सेटिंग पोस्चर है वो सही नहीं होने की वजह से होता है। जब भी कोई लैपटॉप पर काम करता है तो उसका नेक जो है मेनली डिप रहता है उसमें भी लैपटॉप पर काम करते वक्त। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी जो ये पोस्चर्स हैं जिसमें कि उस पर्टिकुलर जॉइंट्स में जो ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो उस पर्टिकुलर जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है, जो वो डिस्क हैं, दोनों डिस्क के बीच में जो है स्वेलिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और जब वो डिस्क बाहर की तरफ बल्ज करता है, जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लोग उसको स्लिप डिस्क कहते हैं, जब वो डिस्क बल्ज कर जाता है तो वो नर्व को टच करता है और जब नर्व को जब कंप्रेस करता है तो दैट इज़ कॉल्ड नर्व सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो मेनली जो है ये नर्व कंप्रेशन की सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है। समटाइम्स जो है मसल स्टिफनेस की वजह से भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है। यदि मसल स्टिफ हो गया, मसल्स के प्रेशर की वजह से जो है वो नर्व जो है उसका कंडक्शन सही से नहीं चल रहा है तो ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है। मेनली जो इसमें होता है पेशेंट वो कन्फ्यूज़ ये रहता है कि सर दर्द हो रहा है उसको, तो वो सर्दी की गोली खाने लगता है और काफ़ी टाइम तक वो सर्दी दर्द की गोली पे रहते हैं। कई बार लोगों को जो है वो नौजिया फील होने लगता है और कई बार जो है डिजीनेस फील होता है। दिस ऑल आर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है ये सारे अपीयर होने लगते हैं, लेकिन कई बार जो है डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है कि आपको परेशानी क्या है और इस वजह से जो है ये बीमारी का सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो मेनली जो है क्लिनिकल सिम्टम्स को देख के यदि आप सही से ऑब्जर्व करें तो उससे पता चल सकता है कि आपको क्या परेशानी है। एक बार आपको पता चल गया कि भाई आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डॉक्टर ने जैसे आपको बता दिया, तो उसमें जो है आयुर्वेदिक पंचकर्मा जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिसमें तरह तरह के प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि धान्य मूलधारा है, ग्रीवाबस्ती है, नस्यम है। तो ये जो है सारे ट्रीटमेंट्स के नेम है जो कि पंचकर्मा में हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और डिपेंड करता है कि केस क्या है, मतलब पेशेंट को कैसा प्रॉब्लम है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कि लोकलाइज पेन है या वो पेन जो रेडिएट होकर शोल्डर्स में जा रहा है, हेड पे जा रहा है, फिंगर्स में आ रहा है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लिकेशन। यदि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे टाइम से हो रखा है, तो वो ठीक होने में समय थोड़ा ज़्यादा लेता है, और एक्यूट कंडीशन है तो वो जो है 2 to 3 वीक के अंदर जो है डिजीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। सो इसमें मेनली जो है कि आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी है कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या इसके इलाज हैं। तो कुछ ओरल मेडिकेशन रहेगा
और कुछ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स रहेंगे जिसको यदि आप प्रॉपर फॉलो करें तो आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉस्चर्स जो हैं जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कभी भी आप यदि सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग सिटिंग तक नेक डिप करके काम कर रहे हैं, तो आपको जो है एक 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है। यदि कॉन्स्टेंट आप काम करते रहेंगे तो पर्टिकुलर जॉइंट पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ने की वजह से जो है मसल्स में जो है स्ट्रेन पड़ने की वजह से स्टिफनेस बढ़ेगा और वो धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ते जाएगा और इट विल कॉज पेन, जो कि अर्ली एजेस में जाके जो है डिजनरेशन और ज़्यादा होगा, तो फिर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस और रेडिकुलोपैथी बनता है। ये सिर्फ हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से होता है और बॉडी को अब्यूज़ करने की वजह से होता है। सो यदि हम पॉस्चर सही से मेंटेन करें, मेंटेन से कि यदि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप जो है उसका जो हाइट होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द हाइट ऑफ जो आपका जो फेस का जो सिटिंग नॉर्मल सिटिंग के बाद जो आपका फेस का जो नॉर्मल हाइट आ रहा है उसी हाइट पे होना चाहिए, जिससे कि आपका नेक डिप नहीं हो। यदि नेक डिप रहेगा तो अगेन इट विल कॉज यू प्रॉब्लम। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे और स्ट्रेच करते रहेंगे, कॉन्स्टेंट बैठ के आप काम नहीं करेंगे तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। अगेन ड्राइविंग जो है, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं आप, कॉन्स्टेंट ड्राइविंग किए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपको पेन हो रहा है शोल्डर में तो जस्ट टेक ए ब्रेक, स्ट्रेच कीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद कीजिए। यदि उसको आप इग्नोर करके चलते रहेंगे तो लॉन्ग रन में जाके आपको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में डेवलप हो जाता है। थैंक यू।